अंदर मोदी जिंदाबाद, के अंदर मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय सेनार दुस्साहसिक उद्धार कार्य अंधार राति रे भी चलिला ऑपरेशन कावेरी। विमान अवतरण करी शह शह भारतीय को कले उद्धार। वायुसेनार विमान C-130J विमान चिताकर्षक रेस्क्यू मिशन। सुदान रे गृहयुद्ध पर जरूरकालीन परिस्थिति सृष्टि होई विभिन्न देश निज निजर नागरिक को फेराई नौ। ऑपरेशन कावेरी जरिए विमान एवं जलपथर नागरिक को अणा जा अंधार राति रे भी चली ऑपरेशन कावेरी। निकटने एमती प्रतिकूल परिस्थिति रे विमान अवतरण करी शह शह भारतीय को करा जाउछि उद्धार। भारतीय वायुसेना पक्षर एपरी दुस्साहसिक उद्धार कार्य देखा मिली। नाइट भिजन क्यमेरा पिंधि पायलट वायुसेनार विमान C-130J विमान सुदान में अवतरण कर सुदान में नाइट और नेभिगेसन संकेत संपूर्ण नष्ट हो स्थित विमान अवतरण कराइबा बहुत चैलेंजिंग। वायुसेनार पायलट निजर साहस देखा राति में लैंडिंग निष्पत्ति सफलतार सह एक छोट रनवे रे लैंडिंग कराइथिले। यहाँ पर अनेक भारतीयों को नहीं राति रही विमान प्रत्यावर्तन कराइथिले। हमारे प्रधानमंत्री की बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि तमाम हिंदुस्तानी जो इस समय सूडान में फंसे हुए हैं, जहाँ एक किस्म से गृह युद्ध हो रहा है बिटवीन द पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड दी सूडानीज आर्मी, उनको वहाँ से सुरक्षित रूप से निकाल दिया जाए। इसके लिए दो हिंदुस्तान एयरफोर्स के हवाई जहाज को तैनात किया हुआ है और एक नेवल शिप को तैनात किया हुआ है। 500 हिंदुस्तानियों को ऑपरेशन कावेरी के नाम इस ऑपरेशन को दिया गया, उनको इवैक्यूएट कर लिया गया और बाकियों को जैसे जैसे मौका मिलेगा इवैक्यूएट किया जाएगा। मोदी बोलने के बाद में भगवान है, वह सच भी भगवान है, वो हमारे लिए भगवान, वो बड़े भगवान, पूरा भगवान, उसको साथ में रहना बोल को हम सब उसको प्रार्थना करते है। सुदान रे ऑपरेशन कावेरी को जोरदार करा जाई छी। पर्याय क्रमे भारतीयों को उद्धार करा जाउ छी। सेमान को सुदान पोर्ट रु साउदी अरब रो जोहाद को अणा जाउ छी। प्रथम पर्याय रे 278, द्वितीय पर्याय रे 148 एवं तृतीय पर्याय रे 135 भारतीयों को उद्धार करा जाई छी। वर्तमान सुधा 3000 रु अधिक भारतीयों को उद्धार करा जितबा सूचना मिली छी। गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है, बहुत फास्ट इवैक्यूएशन हो रहा है क्योंकि पैरेलल में दो एयरक्राफ्ट है, एक शिप चल रहा है। ऑपरेशन कावेरी चल रहा है और उस पे हमें बहुत अच्छी तरह रखा गया। जब हमारे जवान जो कि देश के रियल हीरोज हैं, उन्होंने भी एकदम पोलाइटली हमें सर्व किया, सब कुछ पूरी तरह से, हमें कोई भी चिंता नहीं रही। हम वहाँ से जिद्दा पहुँचे, यहाँ भी हमें पूरी हॉस्पिटैलिटी मिली, यहाँ पूरी सर्विस मिली और यहाँ से अब हम मुंबई जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, हमारे घर जा रहे हैं, जो कि भारत सरकार के प्रदान के किए हुए वो ऑपरेशन कावेरी के नेतृत्व में है। हम आप सबका बहुत आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी का आभारी हैं और पूरे देश के आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत माता। प्रधानमंत्री करिछंती समीक्षा। ऑपरेशन कावेरी आरंभ होबा पूर्वरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुदान रे देखा जाइथिबा हिंसात्मक स्थितिर समीक्षा करिथिले। समीक्षा बैठक रे से वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री भी मुरलीधरन को तत्वावधान रे ऑपरेशन करिबा को कहिथिले। सोमवार ठारु ऑपरेशन आरंभ करा जाइथिला। प्रधानमंत्री जी की जो वादा है वो वादा पूरा कर रहे हैं। सुदान रु फेरिले ओडिया। ऑपरेशन कावेरी द्वारा सुदान रु भारत फेरिले 43 ओडिया। 35 जन ओडिया नुआ दिल्ली में पहुंची थी बेले सेठारु 6 जन निज निज घर को फेरी जाइछंती। तबे घर को फेरिबा परे कहिछंती सेठारे घटीथिबा लोमटांकुरा कहानी। मैं अपना मोदी सरकार से जो ऑपरेशन कावेरी का तरफ से जो किए थे उसी हिसाब से हम लोग सब निकल के आए हैं। थैंक्स जनाऊंगा कि मोदी जी को और उनका पूरा टीम को, तीन सेना भी पूरा लग गए थे हम लोग को निकालने के लिए, वायुसेना, स्थल सेना और जल सेना, ये तीनों सेना लग के हम लोग को उधार किए हैं। सर एक ही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जब हम लोग ज्यादा में पहुँच गया, उन लोग का मिनिस्टर जैसा तरफ बात किया हमारे साथ, नरेंद्र मोदी का मतलब अपना दिल पूरा खुश हो गया नरेंद्र मोदी से। और इतना बात जो बोला है हमारा जो भारत सरकार के लिए और मोदी जी के लिए और हमारा भाईचारा के लिए जो हुआ था, मैं कभी सुना था जे ऐसा सिचुएशन है, मोदी है तो कुछ भी मुमकिन नहीं, सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी टेंशन नहीं। आज मैं रियल लाइफ में देख के आया हूँ मोदी का पावर, विदेश में हमारा विदेश में मोदी का पावर क्या है, आज मैं खुद देख के आया हूँ। आज मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, ऐसा PM हमारा पास है। सेठारे गृह ज्योति रे खाइबा पीबा मिलु नथिला। गन पॉइंट रे सेमानकु बंदी करी रखा जाइथिला। पीबा पाई पानी टिके पाई मध्य संघर्ष करबा को पडुथिला। सेमानक पाखरे जहा सबु थिला सबु बंदूक देखाई लूट करनिया गला। सेठारे थिबा इंडियन कैंटीन को मध्य ब्लास्ट कर दिया जाइछि।
ଯାହାଫଳରେ ଚଳିବାକୁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରତି 10-15 ମିନିଟରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟୁଥିଲା। ଅପରେସନ କାବେରୀ ଜିଏ ସେ ଆମକୁ କୋସିସ କରିକି ନେଭି ଜାହାଜ ପଠାଇକି ପୋର୍ଟ ସୁଦାନରେ ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମକୁ ସିଏ ଆଣିକି ପୋର୍ଟ ସୁଦାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁଡ଼ାନରୁ। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଣିକି ପୋର୍ଟ ସୁଦାନରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଫେରି ନେଭି ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜେଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଜେଡ଼ାରୁ ଫେରି ଆମେ ଆସିଲୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲୁ। ସେଠିକାର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି, ସିଏ ଯେଉଁ ଗୁଳି ବାରୁଦ ବମ୍ ବାରି, ସେଇଟା ଆମେ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ଫିଲିଂ କରୁଛୁ। ଆମ ମଥା ଉପରେ ଗନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରଖା ହେଇଥିଲା, ସକାଳୁ 9 ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦିଅ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦିଅ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ ଟେଲିଫୋନ୍ ଦିଅ ମୋବାଇଲ୍ ଦିଅ। ଆମ ଅଫିସ୍ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାପଟପ୍ ଅଫିସ୍ କାଚ ଫାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବି ସବୁ ରୁମ୍ ଫୁମ୍ ସବୁ ଛିନ୍ନି ବିଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଡେଲି ଗୁଳେ ବାରୁଦ ଏକଟେ ସେକଟେ ଚାଲିଥାଏ, ଫାୟାରିଂ ସବୁ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଥାଏ। ବନ୍ଧୁକ ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ମଥାରେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ 10 ପାଖରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଥିଲୁ। ଥରେ 10 ମିନିଟ୍ରେ 5-10 12 ଜଣ ଆସନ୍ତି, କ'ଣ ଅଛି, ପଇସା ଅଛି, ମୋବାଇଲ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସବୁ ଦିଅ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ନେଇଗଲା ପରେ ତଥାପି ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରିଥିଲେ ଆମକୁ 5-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଇବାଟା ଲୋକାଲ ତରଫରୁ ଆମେ ବାହାରି ଥିଲୁ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବା, ଆଉ ଯାହା ବନେଇ ମିଳୁଥିଲା ଡାଲି ହଉ କେତେବେଳେ ଭାତ ହଉ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ବନେଇ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଥିଲୁ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ କେବେ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିନଥିଲେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସୁଦାନରୁ ଫେରିଥିବା ଏହି ଓଡ଼ିଆମାନେ। ତେବେ ଏନେଇ ଅପରେସନ କାବେରୀ ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।